श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख महीने की नौमी तिथि चमत्कार करती है जीवन में। आप सभी को सरलतम तरीके से अपने मनचाहे विवाह, संतान उत्पत्ति के लिए, नौकरी के लिए, धन प्राप्ति, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए और परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए यह सरल सा कार्य जरूर से करके देखना है। आपको लाभ मिलेगा। गुरु ग्रह जाना जाता है मनचाहा प्रेम और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए। आपने देखा होगा कई भक्तजनों के पास पैसा खूब होता है, परंतु पति का प्यार, बच्चों का प्यार, आपसी मन मुटाव इत्यादि जो है परिवार में बने रहते हैं, यह चीज़ें मिलती नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को गुरु ग्रह को मजबूत करने की आवश्यकता है। वैसे भी बैसाख का महीना श्रीहरि विष्णु को समर्पित, त्रिदेवों को समर्पित माह माना जाता है। कहा जाता है इस महीने श्रीहरि विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी महाराज की विशेष आराधना कर लिया जाए ना, तो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस दिन की जो वस्तु होती है वह पीले रंग की होती है। तो स्नान के पानी में आप सभी को आवश्यक रूप से एक चुटकी स्नान में नहाने के लिए हल्दी का प्रयोग करना है और पीले रंग के कपड़े धारण करने हैं। ऐसा कहीं सुनी बातें नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। श्रीहरि विष्णु को पीताम्बर रंग के वस्त्रों का चयन बहुत शुभ माना जाता है, उन्हें सुख प्रदान करने में यह सहायक होता है। तो वही अब पीताम्बर रंग के वस्त्र आपको भी चयन करने हैं, अत्यधिक शुभ होगा। उसके पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से कोशिश करनी है प्रथम उपाय के स्वरूप में, जो कि सबसे सरल उपाय है। कोई पैसा समय तो इसमें लगना ही नहीं है। आपके घर के रसोई में एक कटोरी चने की दाल तो होगी ही, वही अपने घर के किसी भी सदस्य को, बड़े सदस्य, भांजे हो गए, भांजी हो गई, घर की जो है जेठानी, देवरानी, सास को आप 11-21 रुपए रखकर अपनी जो भी बात है वह कहते हुए, गुरुजी प्रथम उपाय में कहते हैं अगर आप दान दे देते हैं ना तो आपके जीवन के स्वतः ही कष्ट मिट जाते हैं। तो प्रथम में तो आपको यह सरल सा कार्य करके देख लेना है, कोई बुराई नहीं है इसमें। उसके बाद उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष तौर पर इस उपाय के लिए जरा सी जो है विशेष तौर पर पीपल के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। पीपल का पत्ता आप जो है तोड़कर भी ला सकते हैं, नया भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपल का पत्ता ले आइए और उसे ले जाकर आप सभी अपने घर के मंदिर में या केले वृक्ष की जड़ में या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में बैठ जाना है। आप सभी को हरिहर का स्मरण करना है इस उपाय को करते हुए। मैंने स्क्रीन पर दिखाया भी है कि कैसे इस उपाय को करना है। पीपल के पत्ते में आपको अपनी अनामिका उंगली अर्थात जो रिंग फिंगर होती है ना, जिससे हम सभी भगवान का तिलक लगाते हैं, या आपकी इच्छा है, देखिए कोई काम होता है उसे शुभ तरीके से, सही तरीके से किया जाता है तो इसका फल किसी ना किसी स्वरूप में अच्छा मिलता है, सही मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप अनामिका उंगली से या किसी भी उंगली से, जैसी आपकी इच्छा है, आप जो है शहद का लेपन विशेष तौर पर उस पीपल के पत्ते के ऊपर कर दीजिएगा। कर दिया उसके बाद आप सभी को उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी, जो कि एक चुटकी हल्दी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न है तो परिवार में सुख समृद्धि होनी ही है और श्रीहरि विष्णु की कृपा तो उस परिवार में होती ही है। एक चुटकी हल्दी आपको रख देना है उस पीपल के पत्ते में। पीपल का एक पत्ता गुरु जी कहते हैं 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है और कई तरह के रोग दोष संकट पीड़ा का निदान करने में भी सहायक है। यह उपाय किसी भी एकादशी, किसी भी गुरुवार, किसी भी पूर्णिमा तिथि पर अत्यंत लाभ देता है। एक चुटकी शहद लगाकर आप सभी को एक चुटकी हल्दी उसमें समर्पित कर देनी है, अपनी मनोकामना कहनी है, इस बात का ध्यान रखिए। और साफ सुथरे तरीके से जब आपके हाथ वगैरह धुले हुए हैं, कहने का अर्थ है जब स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए, शाम को कर रहे हैं तो अपना कुल्ला इत्यादि कर लीजिए, हर कार से फ्री हो जाए, कहने का अर्थ है। उसके बाद आप सभी एक चुटकी शहद लगाए, उसके बाद जो है हल्दी एक चुटकी रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा चने की दाल आपको रखनी है पीपल के पत्ते के ऊपर। चने की दाल भीगी हुई है तो उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसी है जिस स्वरूप में है वही चने की दाल आपको लेनी नहीं है। और लेना है गुड़ का टुकड़ा, इसे आप सभी को श्रीहरि विष्णु के मंदिर में या तो भोग स्वरूप समर्पित कर देना है, एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर मनोकामना कहकर, या अपने घर के मंदिर में श्रीहरि विष्णु के समक्ष रख देना है, या केले वृक्ष की जड़ में। आपको इस कार्य को करते हुए हरिहर का स्मरण करना है, इस बात का ध्यान रखें, अपनी मनोकामना बोलनी है, साफ स्वच्छ मन से कहना है और विश्वास से करना है। देखिए इन चीज़ों में कोई पैसा लगना है नहीं, समय समय पर भगवान जी को हम सभी प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के द्वारा दी हुई वस्तु को उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से प्रभु इस कार्य को देखते हुए प्रसन्न होते हैं। वह कोई जो है खाने के भूखे नहीं बल्कि आपके भाव के भूखे हैं, आपके समर्पण के भूखे हैं। अगर आप उन्हें सही विधि से गुरुवार के दिन हल्दी का, चने का, शहद का, गुड़ का भोग लगा देते हैं ना, तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं जो आपके
काम बनाने से रोक सके। तो कोई भी इसमें पैसा समय लगना है नहीं, करके देखिएगा, पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। बच्चे दूर हैं तो माता अपने बच्चों के लिए करे, शीघ्र विवाह के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, आवश्यक रूप से उनके जीवन में स्वतः ही सब काम बनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी को प्रथम उपाय यह करना है। दूसरा, आप सभी को जो है एक और श्रेष्ठ उपाय करना है, आपको हल्दी और एक चुटकी कच्चा दूध तुलसी की जड़ में या पीपल वृक्ष की जड़ में इस वैसाख महीने के पावन पवित्र गुरुवार के दिन जरूर से सिंचन के स्वरूप में जो है तुलसी माँ की जड़ में या पीपल वृक्ष की जड़ में, दोनों स्थान पर करते हैं गुरुवार नवमी के दिन तो अत्यधिक सुबह नहीं तो किसी एक स्थान पर जाकर भी, चाहे तो पीपल वृक्ष की जड़ में करें, चाहे तो घर की तुलसी माँ में करें, इच्छा आपकी है, आपको समर्पित जरूर से करना है। साथ के साथ इस कार्य को करते हुए गुरु जी कहते हैं आपका मुख पूर्व अभिमुख होना चाहिए। कोई सा भी लोटा ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध ले लीजिए, उसी में हल्दी डाल सकते हैं, नहीं तो अलग से भी आप हल्दी एक कटोरी में ले लीजिए और कच्चा दूध एक कटोरी में ले लीजिए। जल का पात्र जरूर से चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रहे, यह नहीं कि खाली कच्चा दूध और हल्दी ही चढ़ा दे, ऐसा सही नहीं है। दोनों चीज़ें, पहले कच्चा दूध, हल्दी और उसके बाद जल समर्पित करें और गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। और पिपलेश्वर महादेव के पास गए हैं अर्थात पीपल वृक्ष की जड़ में गए हैं तो प्रणाम करें, स्पर्श करें, अपनी मनोकामना कहें, तुलसी माँ को भी प्रणाम करें और सात परिक्रमा लगाने का प्रयत्न करें। न कर पाने की स्थिति में सिर्फ आप सभी कच्चा दूध और हल्दी चढ़ाकर दीपक लगाकर प्रणाम कर घर की तरफ आ जाएं। बहुत सारा सुख इससे आपको स्वतः ही मिलेगा, कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान होने ही वाला है। देखिए, यह कार्य छोटे छोटे से हैं परंतु इनके प्रभाव अनगिनत कहे गए हैं, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली यह उपाय की भी, कोई भी प्रश्न हो कि दीदी मैं कैसे करूं, किस स्वरूप में करूं, मैं यहां पर अटक रही हूं, तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। कोई भी गलती करने से आप सभी बचिएगा, गलती ना करें। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं आप गुरुवार के दिन घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आवश्यक रूप से चने की दाल, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप कितने चने की दाल लेना चाहते हैं, आप सभी को इस उपाय को करने के लिए बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। और आप जो जल का लोटा ले गए हैं उसमें एक चुटकी गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, डाल दिया, थोड़ा सा चने की दाल अपने हाथ में ले लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर गुड़ मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसके बाद थोड़ा सा चने की दाल जो कि सोने के समान अर्थात स्वर्ण के समान होती है वह शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। चाहे तो सात की संख्या में लें, चाहे तो 11-21 में, इच्छा आपकी है, परंतु आप सभी को बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल चढ़ाना है और आवश्यक रूप से चने की दाल अपने हाथ की हथेली में लेकर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर जरूर से समर्पित करने चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे त्रिदेवों की कृपा मिलती है और जीवन में खुशियों की बरकत होती है। तो वीडियो में बहुत सारे उपाय मैंने आपको बता दिए, कृपया करके एक किरणी का प्रयासन करें, लाभ होगा। हर हर महादेव।